हेलो एवरीवन, वे सभी स्टूडेंट जो अपने एमएससी के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं और वो किसी इंस्टीट्यूट से डिजर्टेशन या रिसर्च ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि सीडीएफडी यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो कि हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सीडीएफडी की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए न्यूज एंड इवेंट में देखिए मूव करता हुआ आपको दिख रहा है थर्ड नंबर पर डिसर्टेशन बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, डिसर्टेशन बेस्ड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम एडवर्टाइजमेंट, द सीडीएफडी इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द बायोटेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिसर्च काउंसिल यानी कि ब्रिक शॉर्ट फॉर्म में जिसे कहते हैं, और सीडीएफडी फंडेड बाय द डीबीटी का द्वारा ये फंड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। BRIC CDFD provides service in the area of DNA fingerprinting diagnostics and perform cutting edge research in several frontier areas of modern biology. Research based skill development program invites application for interested individual of undertake. Candidate will work in laboratory for a minimum period of 4 months, यानी कि आप minimum 4 months के लिए और maximum 6 months के लिए यहाँ पर training कर सकते हैं जिस field में आपका interest हो उसके हिसाब से। Eligibility की बात करते हैं तो कैंडिडेट परसुइंग यानी कि परसुइंग मतलब अभी उसमें रहना चाहिए, कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए। परसुइंग एमएससी एम फार्मा एम फार्म एम टेक ड्यूरिंग एनी सेमेस्टर और बी फार्म बी टेक इंटीग्रेटेड एमएससी फ्रॉम द थर्ड ईयर ऑनवर्ड इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। अगर इसमें से आप किसी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। द प्लेसेंट्स शुड हैव फर्स्ट क्लास थ्रू आउट देयर एकेडमिक करियर That is 10th intermediate or 12th degree till the previous semester. तो यानी कि जो आपका हाई स्कूल से लेकर के जो अब तक का रिकॉर्ड रहा होगा वो आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो आपको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करते हैं तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो दो प्रोसीजर हैं, एक ऑप्शन वन है और एक ऑप्शन टू है, तो आप दोनों में से किसी एक ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट कैन डायरेक्ट सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। लैब विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट्स रिसर्च इंटरेस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो एक फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें क्या करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक को फिल कर देना है और आप जब एसओपी में जो आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या जो भी फिल करेंगे वहाँ पर कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से आपको लैब जो है वो अलॉट कर दी जाएगी। एक स्टेप ये हो गया। प्लीज नोट एप्लीकेंट्स आर ओपन वंस ए ईयर यूजली इन अक्टूबर। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो है वो जनरली अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट आर नोटिफाइड नवंबर, और जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उनको नवंबर में नोटिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये रखी गई है कि दे आर फ्री टू स्टार्ट द ट्रेनिंग एनी टाइम विद इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया आपको सिलेक्ट कर लिया गया तो आप नेक्स्ट ईयर यानी कि टिल दिसंबर से पहले पहले आप अपनी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। वो यहाँ पर देखिए उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो कैंडिडेट हैविंग स्पेसिफिक रिसर्च इंटरेस्ट कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट सीडीएफटी साइंटिस्ट या ग्रुप हेड एंड डिस्कस स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस दे वांट टू वर्क ऑन इट। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लो किसी का कैंसर या किसी इम्यूनोलॉजी में, तो वो सीडीएफटी की वेबसाइट पर देख सकता है कि कौन से साइंटिस्ट या कौन सा ग्रुप जो है वो इस फील्ड में वर्क कर रहा है, तो आप डायरेक्टली उन साइंटिस्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप अगर रिसर्च कंटिन्यू करेंगे तो आप किस क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहेंगे या आपके मन में क्या क्वेरीज है जो आप वहाँ ट्रेनिंग के दौरान पे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आप उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है, कैंडिडेट आर फ्री टू कॉन्टेक्ट द ग्रुप हेड थ्रू आउट द ईयर। ए मिनिमम ऑफ 2 months फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। प्लीज नोट दैट योर सिलेक्शन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्लॉट अवेलेबल इन द पर्टिकुलर लेबोरेटरी। दूसरा यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि आप थ्रू आउट दी साइंटिस्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मिनिमम ऑफ 2 months, यानी कि 2 months के अंदर अंदर जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह है वो प्रोसेसिंग आपको कर लेना है। यहाँ पर एक कंडीशन और दिया गया है, अगर पर्टिकुलर लेबोरेटरी में अगर कोई स्लॉट खाली होगा तो वो आपको दिया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग बाय सेकेंड ऑप्शन वंस दे आर सेलेक्टेड कैन फिल दी ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिटन कंसेंट लेटर फ्रॉम दी ग्रुप हेड। एक बार जब आपको कैटेगरी सेकेंड में सेलेक्ट कर लिया जाएगा तो आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म तो भरना ही है और जिस ग्रुप को आप ज्वाइन कर रहे हैं उनका जो ग्रुप हेड है उसके द्वारा आपको कंसेंट लेटर एक यहाँ पर सबमिट करना होगा। द एप्लीकेंट्स शुड ऑल्सो फर्निश ए
बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ये आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है या चाहिए आपको, एन ऑनलाइन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो आप एसओपी बनाएंगे वो आपका 200 से 1500 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, जो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ एक कॉलम है, वहाँ पर आपको एसओपी सबमिट करना होगा। हॉस्टल एकोमोडेशन की बात करते हैं तो सीडीएफडी विल मेक अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एट नो चार्ज एकोमोडेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फेलोशिप ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सब्जेक्ट टू बी अवेलेबिलिटी। तो सीडीएफडी जो है वो प्रोवाइड करता है हॉस्टल एकोमोडेशन और इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और वो उस हिसाब से देते हैं कि जो पहले आएगा उसको पहले हॉस्टल मिलेगा अगर अवेलेबिलिटी है तो, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको अपना एकोमोडेशन अपने आप से ही देखना होगा। हाउएवर यू विल हैव टू पे फॉर योर फूड एंड अदर एक्सपेंसेस, लोकल कैंडिडेट विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी एकोमोडेशन। तो देखिए जब आप वहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपका अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रहने का तो कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन जो आप खाएंगे या अदर जो एक्सपेंसेस आपके रहेंगे उसका चार्जेस आपको देने होंगे, और जो लोकल कैंडिडेट हैं यानी कि जो हैदराबाद से ही बिलोंग करते हैं तो उनको एकोमोडेशन फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी क्योंकि वो अपने घर से भी वहाँ पर आ जा सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू सबमिट ए प्रूफ फॉर हैविंग ए हेल्थ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ मिनिमम ऑफ 1 लाख ईच इन देयर नेम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ये एक अच्छा पॉइंट है कि जब आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए जिसका मिनिमम जो कॉस्ट है वो 1 लाख तक आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। इन केस वेयर द कैंडिडेट ज्वाइन द प्रोग्राम एंड वांट टू डिसकंटिन्यू विदाउट कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम मिनिमम रेजिडेंसी पीरियड ऑफ 4 मंथ नो प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड। अगर आप ये यहाँ पे प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं अगर आप उसको छोड़कर जाना चाह रहे हैं अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 500 रुपये, ओबीसी कैटेगरी जो है उसको यहाँ पर 250 रुपये पे करना है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस या वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 125 जो है वो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर सबमिट करनी है। बैंक डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें आपको इतना जो भी फीस है वो सबमिट करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ एससी एसटी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल इशूज बाय द कंप्लीमेंट अथॉरिटी शुड बी इंक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये सब वहाँ पर अटैच करना होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव कंडीशन मे रजिस्टर देयर नेम बाय अप्लाइंग इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एट सीडीएफडी। जो यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है उस पर आप देख लीजिएगा कि क्या फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने का वो 15/10/2024 है, आफ्टर विच ऑनलाइन गेट टू क्लोज, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो क्लोज कर दिए जाएंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन विदाउट द कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल आर लायबल टू रिजेक्टेड। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे फिल कर रहे हैं, आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी लगा रहे हैं या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, ये मतलब उस कॉलम में फिल करें, तो आपको ये सर्टिफिकेट वहाँ पर अटैच करना जरूरी है। अगर आप अटैच नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द नेम ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ऑन अवर वेबसाइट। नवंबर 2024 तक आपका नाम अगर सेलेक्ट होगा तो आपका वहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। द ट्रेनिंग कैन बी कैरिड आउट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ बिटवीन December 2 to December 2025। ये आपका टाइम ड्यूरेशन है दिसंबर 2024 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में आपकी ट्रेनिंग जो है वो 6 मंथ की रहने वाली है। अब बात करते हैं कि अगर आपको इसमें कोई क्वेरीज है तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आप मेल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो यहाँ नीचे जो ईमेल आईडी दिया हुआ है इस पर आप मेल करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कि आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो कितना कितना होना चाहिए, जैसे फोटोग्राफ आपका 100 KB का होना चाहिए, सिग्नेचर जो है वो आपका 50 KB का होना चाहिए, मेमोज जो है वो आपका 5 MB तक में चल जाएगा, और जो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये 500 KB, कैटेगरी सर्टिफिकेट है 500 KB, फी रिसिप्ट जो आप पे करेंगे वो आपको भी सबमिट करना है, वो आपकी 50 KB तक होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फिर आपका रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप यहाँ पे 3 रिसर्च एरिया इंटरेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे पूरा रिसर्च एरिया इंटरेस्ट दिया हुआ है, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डायग्नोस्टिक, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। जैसे आपने ऑप्शन फर्स्ट में कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन सेकंड में आपने जेनेटिक सेलेक्ट कर लिया, ऑप्शन थर्ड में आपने इम्यूनोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से आपको 3 एरिया जो है वो
सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, ठीक है, जो आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में एसएससी सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के जो भी आप रहा हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपको अपने पेरेंट्स का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सबमिट करना है यहाँ पर, परमानेंट आपका एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, ये चीज़ कंपलसरी है। उसके बाद में आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, टेंथ का जो आपका ईयर ऑफ पासिंग है या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम, डिवीजन, सब्जेक्ट या किस प्रोग्राम में आप रहें फुल टाइम पार्ट टाइम, वो आपको यहाँ पे सब सबमिट करना है। उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद बैचलर, उसके बाद आप पीजी के किस ईयर में किस सेमेस्टर में, वो सब आपको यहाँ पर सबमिट करना है। अगर कोई अदर क्वालिफिकेशन है, आपने कोई ट्रेनिंग वगैरह किया हुआ तो वो आपको यहाँ सबमिट करना है। प्रोजेक्ट टाइम क्या रहेगा वो आपका, वो सब इस तरह से आप ये देख लीजिए, उसके बाद प्रीव्यू करके यहाँ पर टिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को फिल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।